Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Rubab Healthy Cooking. आज हम बनाने जा रहे हैं restaurant style Russian salad. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. सैलेड के लिए हम लेंगे हाफ कप बॉइल्ड चने, एक टमाटर ले लिया है इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, हाफ अनियन इसको भी बारीक काट लें और इसको थोड़ा सा सिरके में भिगो लें, फ्रेश धनिया है, खीरे को मैंने कद्दूकस करके इसको भी सिरके में भिगो लिया है, सब्ज मिर्चें हैं तीन, एक लेमन का जूस है, सिरका लेंगे, हॉट सॉस लेंगे और बहुत थोड़ी लाल मिर्च और काली मिर्च और नमक थोड़ा थोड़ा. पहले चने डालें, टमाटर, धनिया, खीरा जाएगा इसमें, प्याज, अच्छे से मिक्स कर लें. देखिए कितनी कलरफुल सी और मज़ेदार सी ये सैलड बनेगी. हरी मिर्चें इसमें थोड़ी डालें, लेमन जूस बिल्कुल एक चुटकी या दो चुटकी जो है वो सुर्ख मिर्च, इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और नमक. नमक आपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा डालना है क्योंकि इसमें हमने सिरका डालना है, इसी वजह से. और इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस जिससे इसका रेड सा कलर आएगा और ये बहुत स्पाइसी सैलेड है. इसको मिक्स करें. और इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दें. इस फ्रूट सैलेड के लिए, रशियन सैलेड के लिए मैंने लिया है एक सेब और इसको बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है. इसका छिलका नहीं उतारना क्योंकि इससे ये सैलड में कलर आएगा और एक बहुत ब्यूटीफुल सी इसकी लुक आएगी. इसके साथ मैंने लिए हैं खुबानियाँ, उनको मैंने बारीक काट लिया है क्यूब्स की फॉर्म में. पाइनएप्पल चंक्स लिए हैं मैंने, उनको भी बारीक काट लिया है. एक नींबू का रस लिया है, मेयोनीज ली है 4 टेबल स्पून, बंद गोभी है क्रश की हुई, कद्दूकस की हुई, मटर लेके मैंने उबाल लिए हैं और उनको ठंडा कर लिया है. एक आलू ले लें, उसके बारीक क्यूब्स काट कर उसको बॉईल कर लें और उसको ठंडा कर लें. और इसके साथ इसमें हम हाफ कप चीनी ऐड करेंगे और हसबे जायका काली मिर्च. एक बाउल में इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे. आलू, सेब, मटर, पानी ऐड करेंगे और पाइनएप्पल, सबको अच्छे से मिक्स करें. पहले एक बाउल में मैं मेयोनीज लूंगी और इसमें चीनी को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी. जी तो व्यूअर्स, इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है. अब इसमें मैं काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी थोड़ी सी और लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दूंगी. और इसमें क्रीम मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि इसमें मैंने लेमन जूस डाला हुआ है, तो क्रीम डालने से वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा क्रीम का. क्रीम वाली चाट अलग होती है. ये रशियन सैलड में सिर्फ हम मेयोनीज़ का यूज़ करेंगे, बहुत मज़े की मीठी सी चाट बनेगी और लेमन का भी इसमें फ्लेवर खट्टा सा आएगा, तो एक कॉम्बिनेशन खट्टे मीठे का बहुत मज़े का बनेगा. एक बंद गोभी भी इसमें ऐड करेंगे और ये जो मेयोनीज का हमने मिक्सचर बनाया था, चीनी, मेयोनीज और काली मिर्च का, इसको हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. ये रशियन सैलड मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हमको
फिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारी एक मज़ेदार सी रशियन सैलड तैयार हो गई है। इसमें फ्रूट सैलड और चना सैलड का एक वेरिएशन है, मिक्सचर है। इसे बनाएं और इन्जॉय करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।